अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम पाकु टीवी की तरफ से आए हैं और आपके स्कूल को विजिट करना चाहते हैं। जी जरूर आइए। आपके स्कूल का नाम है फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल एंड कॉलेज, आपका नाम जानना चाहेंगे। जी मेरा नाम उमर हबीबा है। उमर हबीबा साहिबा, आप किस स्कूल में पढ़ रही हैं? मैं इस स्कूल से तकरीबन 3 साल हो गए हैं। हमारा स्कूल सबसे यूनिक है, जैसे कि आप जानते हैं, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि तबीयत के लिहाज से भी हमारा स्कूल सबसे आगे है। इस स्कूल ने बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन ली है, फेडरल बोर्ड में 10th क्लास में। अब मैं आपको फर्दर स्कूल का विजिट करवाऊँगी। मैं अभी आपको याद है कि जब आप पहली दफ़ा आई थी तो प्रिंसिपल से मुलाकात हुई होगी। यस ऑफ कोर्स, ये हमारे प्रिंसिपल का ऑफिस है। जी ज़रूर आइए। ये हमारे प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर राना सोहेल अहमद, और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर की इजाज़त के साथ आपकी ज़ुबानी हम विजिट करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स सर, दे हैव कम फ्रॉम द म्यूजिकल प्रोडक्शन एंड दे वांट टू विजिट आवर स्कूल। ऑफिस के साथ ही डे केयर सेंटर बनाया गया है। ये डे केयर सेंटर बनाने का मकसद क्या है? प्रिंसिपल ऑफिस से क्लोज इसलिए है ताकि हम जो बच्चे यहाँ पे एजुकेशनल माहौल में पढ़ रहे हैं, एक अच्छे तरबियती इदारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इनकी अच्छी प्रोटेक्शन की जा सके, इन्हें हिफाजत मुहम की जा सके। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपनी कलीग से मिलवाऊंगी, टीम मेंबर अलिशबा खान, अब आपको ये फर्दर स्कूल का विजिट करवाएंगे। ओके अस्सलाम वालेकुम, मैं अलिशबा खान हूँ। मैं आज आपको मोंटेसरी सेक्शन के बारे में बताऊँगी जो कि बेसमेंट में है। अभी कौन सा रूम है? ये है फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल का एक्टिविटी रूम। आप देख सकते हैं यहाँ का अपरेटर्स, फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल इलाके का बेस्ट अपरेटर्स प्रोवाइड करता है मोंटेसरी सेक्शन के लिए। यहाँ पे एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज़ में, जिसमें फर्स्ट है EPL, सेकंड है लिंग्विस्टिक एंड थर्ड है सेंसोरियल। तो EPL में बच्चों को एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रेडी करवाया जाता है, और जैसा कि सेकंड वन है लिंग्विस्टिक, तो आप एक LED देख सकते हैं। LED में इंग्लिश में मूवीज़ दिखाई जाती हैं बच्चों को, ताकि वो बढ़ती हुई दुनिया में कम्पीट कर सकें। ये बताइए कि ये सामने बोर्ड क्या बता रहा है, ये क्या अचीवमेंट्स? ये जो बोर्ड है ये हमारे स्कूल के अचीवमेंट्स को शो कर रहा है, जैसे कि एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमारा स्कूल तालीम में भी सबसे आगे है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी 10th क्लास का रिज़ल्ट, हमारी 10th क्लास ने फेडरल बोर्ड में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में हमारे स्कूल की स्टूडेंट ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। मैं 10th क्लास में हूँ, तो मुझे 12 साल हो गए, क्योंकि मोंटेसरी सेक्शन भी आता है, तो 12 ईयर्स हो गए मुझे स्कूल में पढ़ते हुए। ये है हमारी मोंटेसरी एडवांस क्लास। अगर मैं इस क्लास के बारे में आपको बताऊं, तो मोंटेसरी एडवांस के 3rd टर्म में कर्सिव राइटिंग स्टार्ट करवा दी जाती है। इस क्लास के बच्चों को मेन कॉन्सेप्ट जैसे कि वोवल लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स, वोवल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में बता दिया जाता है। उर्दू के कॉन्सेप्ट्स, हरफी, फलकी, फर्शी हरूफ के बारे में बता दिया जाता है। अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी 2 क्लास से। ये है हमारी 2 क्लास। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चों की राइटिंग के साथ साथ टीचर्स की राइटिंग भी बेस्ट है। टीचर्स को पहले ट्रेन करवाया जाता है और फिर वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। आप राइटिंग देख सकते हैं। अब मैं हैंड ओवर करूँगी आपको कायनात जाहरा के, वो आपको फर्दर गाइड करेंगी। कायनात, ये टीम आई है, आपने इन्हें फर्दर गाइड करना है क्लासेस के। हाय, आम कायनात जाहरा, अब मैं आपको रिमेनिंग विजिट करवाऊँगी, तो चलिए चलते हैं हम 4th क्लास की तरफ। जी इस स्टोरी में हम लोग के पास 4 से लेकर 10th क्लासेस हैं, तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं 4th क्लास की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं 4th क्लास में। मैम मे आई कम इन? 4th क्लास में बच्चों को, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 क्लास के फाइनल टर्म से ही बच्चों को पॉइंटर्स का यूज़ सिखा दिया जाता है, ताकि 4th क्लास में जब तक वो आते हैं तो उनके पॉइंटर्स पर ग्रिप बहुत अच्छी हो चुकी होती है। राइटिंग तो आपको जैसे बताया जा चुका है कि हम लोग की 1 क्लास से मोंटेसरी एडवांस से हम लोग की राइटिंग पे मतलब प्रॉपर फोकस किया जाता है, तो आगे इनको पॉइंटर्स भी हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, ताकि प्रॉपर तौर पर ये पॉइंटर पर कमांड हासिल कर सकें। मैं कहूँ मैम, इस क्लास की क्या बात आपको खास लगती है, जरा दरमियान में जाके क्लास के आदमी बताएं। 5th क्लास में बच्चों को मुकम्मल तौर पर मतलब पेपर्स के दौरान इनको क्रिएटिव राइटिंग के टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिसपे बच्चे खुद से लिखने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा इनको, जैसे अभी हम लोग के पास इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, और इंडिपेंडेंस डे के अलावा हम लोग के पास 6 सितंबर डिफेंस डे आ रहा है, तो उस पर प्रॉपर तौर पर बच्चे स्पीच करते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जैसा कि मैं आपको पूरा स्कूल विजिट करवा चुकी हूँ और मैंने काफ़ी फैसिलिटीज़ के बारे में भी आपको बताया, अब मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूँगी उम्मे हबीबा के। हबीबा, ये बताइए कि क्या हमारे पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम उर्दू होना चाहिए या अंग्रेजी होना चाहिए?
जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कौमी जुबान उर्दू है, तो मेरे लिहाज से हमारा जो निज़ाम है, जो हमारा निसाब होना चाहिए, वो उर्दू में होना चाहिए, ताकि हर बच्चे को अपनी कौमी जुबान के बारे में अहमियत हासिल हो सके, उसे पता चल सके कि उर्दू जुबान हमारी इंटरनेशनल हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो हमें उस पर उसका एहतराम करना चाहिए। जब स्कूल की छुट्टियाँ जब स्कूल की छुट्टियाँ होती है तो सबसे ज़्यादा अपनी टीचर्स को मिस करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच टू विजिट आर स्कूल, वी लाइक यू वेरी मच, प्लीज़ कम अगेन एंड अगेन टू विजिट आर स्कूल। Thank you so very much. Jazakumullah khair.